वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आने वाले हर टीचिंग एग्जाम्स में आती ही आती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक बेस है। ठीक है, CTET की हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एवरीथिंग प्रैक्टिस करते हैं, बट अगर हमारा बेस अगर वीक है तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेस जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी देखिए ग्रोथ, अभी हम डेवलपमेंट पे बाद में आएंगे, डोंट वरी फॉर इट। अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ, कोई भी बच्चे में जो फिजिकल या बच्चे को अपार्ट फ्रॉम, अगर हम बच्चे की डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाइल्ड पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के बारे में हर चीज़ को हम लोग बच्चे से रिलेट करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या है? जो भी फिजिकल डेवलप, मतलब जो भी फिजिकल डेवलपमेंट है, जो भी फिजिकली बढ़ रहा है, बच्चा लंबा हो रहा है, उसकी जो विकास और वृद्धि, ये विकास है, ये वृद्धि, तो जो बच्चे में जो फिजिकल ग्रोथ है, जो फिजिकली जिस तरीके से जो भी फिजिकल है, ठीक है, इसमें कहीं से भी ये आप नहीं कह सकते हैं कि उसकी सोशल स्किल्स की बात हो रही है, मोरल स्किल्स की बात हो रही है, वो कितना मोरली मैच्योर्ड है, कितना सोशली मैच्योर्ड है, इसकी बात नहीं है। बस इस यहाँ पे हम बस फिजिकल, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे हम लोग, क्योंकि बच्चे के रिगार्ड में हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बच्चे से रिलेट करके बोल रही हूँ। इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ग्रोथ का जो होता है वो स्टेजेस क्या क्या है, सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे पॉइंट है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो पहला चलिए हम लोग देखते हैं, प्रीनेटल स्टेज होता है। पहला क्या होता है? प्रीनेटल स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है। प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, वो पेट के अंदर होता है, वो सिंस फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, ओवम एंड स्पर्म का जो फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, उसी समय से ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, बच्चा बढ़ता है, 2 महीने 3 महीने। इट इज अबाउट 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, एवरेज हेल्दी प्रेगनेंसी जो होती है वो 40 वीक्स की होती है। बच्चा जो है वो पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो वो हमारा प्रीनेटल स्टेज में आता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो जब बच्चा पेट में आ जाता है उस समय से ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ स्टार्ट जो है वो हो जाता है, तो ये हमारा प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रीनेटल स्टेज। तो वो वोम से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है पोस्टनेटल स्टेज। अब हमारा क्या आता है? पोस्टनेटल स्टेज। ये हमारा नेक्स्ट है, ये हम लोग ग्रोथ के स्टेजेस पर रहे हैं, हम लोग इस ग्रोथ के स्टेजेस पर रहे हैं। अगला है हमारा पोस्टनेटल स्टेज, ये कब आता है? ठीक है, ये हमारा प्रीनेटल स्टेज ओवर हो जाता है, फिर प्रोनेटल स्टेज आता है। ठीक है, पोस्टनेटल स्टेज आता है। ठीक है, तो प्रीनेटल पीरियड अभी आपने जाना, उसको हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं, और ये है पोस्टनेटल स्टेज, या प्री पीरियड भी बोल सकते हैं, पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, तो पोस्टनेटल पीरियड का क्या होता है? सबसे पहला इसका, इसे हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है इसका इन्फेंसी। ठीक है, पहला इसका क्या है? इन्फेंसी। ठीक है, तो इन्फेंसी क्या होता है? इन्फेंसी, बच्चा जन्म ले लिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ वो क्या है? इन्फेंसी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? इन्फेंसी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें बॉडी बहुत ही जल्दी ग्रो करती है, बहुत जल्दी ग्रोथ होता है बॉडी में, बॉडी बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। आप देखते हो बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, उसमें उसके बाद 2 महीने में वो आई कांटेक्ट सीखता है, उसके बाद फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, और फाइनली वो चलना सीखता है। तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड डेवलप ग्रोथ देखा जाता है। अभी हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ जो है वो बच्चे में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पीरियड हो गया वो क्या, कौन सा पीरियड हो गया? इन्फेंसी का पीरियड हो गया। ठीक है, अब हमारा जो पोस्टनेटल स्टेज है, पोस्टनेटल पीरियड है, इसमें हमारा दूसरा आता है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है चाइल्डहुड। वो क्या आता है हमारा?
चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चाइल्डहुड इन्फेंसी के बाद होता है, ठीक है। चाइल्डहुड को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया आपका कि अर्ली चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड हो गया पहला, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद आता है आपका मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, और उसके बाद आता है आपका लेट चाइल्डहुड, ठीक है। लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, तीनों इसमें होते हैं, ठीक है। तो हम अर्ली चाइल्डहुड कब होता है, जब तक कि आपकी जो जो बच्चे की जो दूध के दांत है, जो मिल्क टीथ है, वो जब तक इरप्ट नहीं, जब तक वो हटते नहीं है, वो हमारा पीरियड क्या है, वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड में आता है। वो हमारा किस में आता है, अर्ली चाइल्डहुड में आता है, ठीक है। और जो मिडिल चाइल्डहुड है हमारा, जो हमारा मिडिल चाइल्डहुड है, वो कब आता है, 7 से 10 साल के बीच। वो कब आता है, 7 से 10 साल के बीच आता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। लेट चाइल्डहुड कब आता है, लेट चाइल्डहुड एडोलसेंस से जस्ट पहले का स्टेज होता है। लेट चाइल्डहुड क्या होता है हमारा, जब एडोलसेंस का स्टेज आता है, उससे जस्ट पहले का स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जस्ट बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है, बहुत कुछ जानने लगता है, और वो एडोलसेंस से जस्ट पहले का टाइम होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जाना ग्रोथ क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है बच्चे में, जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसे हम ग्रोथ जानते हैं। उसका आपकी कॉग्निटिव स्किल से, सोशल डेवलपमेंट से, मोरल डेवलपमेंट से कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है। और ग्रोथ जो है वो कितने टाइप का होता है, कितने स्टेजेस का होता है, कितने पीरियड का होता है, तो प्रीनेटल स्टेज आपने जाना, जब बच्चा वोम्ब में होता है और पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है उसके अंदर भी, तो वो हमारा प्रीनेटल स्टेज है। और पोस्टनेटल जो पीरियड या स्टेजेस जो भी कह लें आप अपने वर्ड में, वो कब होता है, उसको हम लोग कुछ पार्ट्स में बांट दिए हैं। एक हो गया आपका इन्फेंसी, जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड आपका हो गया कि आपका अर्ली चाइल्डहुड हो गया जब तक कि आपकी टिथ जो होती है, वो सब ईयर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या ईयर होता है सबका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। वैसे अभी हम लोग पहले कंसेप्ट समझ लें। बहुत सारे बुक में आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बुक अर्ली चाइल्डहुड के एज को थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे आपको मिल सकता है अलग अलग बुक्स में, तो वो थोड़ा बहुत होता है आगे पीछे, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस ये कहा है कि अरिहंत में थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे, और दूसरे बुक में 1 साल या थोड़ा बहुत का फर्क आ सकता है इन तीनों को डिफाइन करने में। बट एक जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो एक स्टैंडर्ड एज है, वो क्या है, मिडिल चाइल्डहुड, 7 से 10 साल हम उसको लेते हैं। और लेट चाइल्डहुड क्या हो गया, लेट चाइल्डहुड उसके बाद जो है, जो एडोलसेंस से पहले जो आता है, वो हो गया हमारा लेट चाइल्डहुड। जीन पियाजेट की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड हो गया 7 से 10, और लेट चाइल्डहुड हो गया उसके बाद। लेट चाइल्डहुड के बाद क्या आता है हमारा, लेट चाइल्डहुड जब हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, एडोलसेंस आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, एडोलसेंस आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एडोलसेंस के बारे में देखते हैं। एडोलसेंस जो होता है वो गर्ल्स में जो ग्रोथ स्पॉट या एडोलसेंस होता है, थोड़ा पहले हो जाता है, ठीक है। एडोलसेंस जो होता है, ठीक है, वो गर्ल्स में पहले हो जाता है, और थोड़ा पहले होता है बॉयज में। गर्ल्स का यूजुअली 2 साल 2 ईयर्स थोड़ा पहले होता है, और बॉयज में थोड़ा लेट होता है। एडोलसेंस बॉयज में एवरेज जो होता है वो 12 से 15 ईयर्स तक के बीच का होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ स्पर्ट होता है, और बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। बहुत ही, मतलब आप देखोगे जो बच्चा बहुत जिसका हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, और एडोलसेंस के पीरियड में अचानक से उसकी हाइट बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोगों को बिलीव नहीं होता, बिकॉज इस समय ग्रोथ स्पर्ट चल रहा होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव होता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ सकता है, गलत संगति में भी आ सकता है, और अच्छे संगति में भी आ सकता है। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चे में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग होती है। बट हम लोग यहाँ पे अभी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो जो भी फिजिकल चेंजेस है वो हम जानेंगे कि एडोलसेंस के एज में फिजिकल चेंजेस बच्चे में
क्या होती है। एडोलसेंस स्टेज में फिजिकल चेंजेस, बच्चे में ग्रोथ स्पर्ट आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से मैच्योरिटी आ गई है, बट यस रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो ग्रोथ में है लड़कियों में जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होती है, बॉयज़ में जो होती है वो बियर्ड एंड जो यहाँ पे जो हमारा होता है वॉइस बॉक्स, उसमें जो वॉइस में चेंजिंग हमें फील होता है लड़कों का। तो ये कह सकते हैं कि एडोलसेंस का जो पीरियड होता है वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है ये हमारे ग्रोथ में। हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ में इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडोलसेंस, ठीक है, क्योंकि हमारा एक तो इन्फेंसी का जो एज होता है बहुत जल्दी बच्चा बढ़ता है, फिर यहाँ पे भी जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है। ठीक है, अब हमारा आता है एडोलसेंस तो हमने पढ़ लिया, अब हमारा आता है मैच्योरिटी। इसके बाद हमारा क्या आता है, मैच्योरिटी एडोलसेंस के बाद आता है। मैच्योरिटी में बच्चे थोड़ा पीयर प्रेशर अगर आ जाता है तो उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान हो जाता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं जो कि पहले से नहीं थे, ठीक है, उतने नहीं थे, ठीक है। ग्रोथ भी ऑलमोस्ट जो हाइट जो बढ़ना बंद हो जाता है वो भी एक तरह से साइन है कि अब बच्चा मैच्योर हो चुका है। तो मैच्योरिटी हमारा लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। स्टेज ऑफ ग्रोथ तो आपने जाना प्रीनेटल स्टेज, पोस्टनेटल स्टेज, उसके बाद आपने क्या जाना, पोस्टनेटल स्टेज को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में। उसके बाद हमारा आता है एडोलसेंस, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडोलसेंस, और उसके बाद फाइनली आती है हमारी मैच्योरिटी, उसके बाद हमारी फाइनली क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो टॉपिक है, डेवलपमेंट के टॉपिक को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, अभी हम लोगों ने बस ग्रोथ के टॉपिक के बारे में जाना है, ठीक है। डेवलपमेंट के टॉपिक को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है, और डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस और जो भी हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, हम लोग अभी ब्रशअप कर रहे हैं अभी, और इन फ्यूचर अभी जब तक CTET की एग्ज़ाम नहीं आती है, अदर एग्ज़ाम्स नहीं आती है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पेडागोजी पे बिल्कुल पकड़ हो बहुत स्ट्रांग, बिकॉज ये हर एक टीचिंग एग्ज़ाम का बेस है, ठीक है। आई होप आज के लिए क्लास बेट ये था, इससे ज़्यादा अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आप सब अच्छा से अपने ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते ही हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, और एक नए टॉपिक के साथ, और फीडबैक में ज़रूर बताइए कि अगर आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, सभी अपना ओपिनियन ज़रूर रख सकते हैं, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।